नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग, काल और वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं कलयुग फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कलयुग सन 2005 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, स्माइली सूरी, अमृता सिंह, दीपक शॉ और आशुतोष राणा नजर आए थे। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने। और इस फिल्म को 9 दिसंबर सन 2005 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 4 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 7 करोड़ 21 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 68 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 3 करोड़ 17 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 11 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 30वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अनु मलिक सहित कुल 4 लोगों ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और इस फिल्म के 2 गाने आदत और जिया धड़क के दोनों ही गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म की साउंडट्रैक उस साल की 12वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली साउंडट्रैक रही थी। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म का टाइटल पहले ब्लू फिल्म रखा गया था पर कुछ कारण से फिर इसे बदल कर कलयुग कर दिया गया। नंबर 2, इस फिल्म में अमृता सिंह ने 12 साल बाद नेगेटिव रोल निभाया था। इससे पहले उन्होंने सूर्यवंशी में नेगेटिव रोल निभाया था जो सन 1993 में आई थी। नंबर 3, ये फिल्म कुणाल खेमू की एज ए लीड एक्टर डेब्यू फिल्म थी। मोहित सूरी की बहन स्माइली सूरी की भी डेब्यू फिल्म थी। अब जानते हैं वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वक्त सन 2005 में आई एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, शेफाली शाह, बुमन ईरानी और राजपाल यादव नजर आए थे। इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था। और इस फिल्म की कहानी लिखी थी आतिश कपाड़िया ने। और इस फिल्म को 22 अप्रैल सन 2005 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 16 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 21 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 करोड़ 91 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 9 करोड़ 37 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 43 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अनु मलिक ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और सभी गाने अच्छे चले थे पर फिल्म के 2 गाने, एक सुबह होगी और दूसरा लेट्स प्ले होली, ये दोनों ही गाने उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म में राजपाल यादव की एक्टिंग को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स तक सभी ने काफी पसंद किया था। नंबर 2, ये फिल्म अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ में आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। नंबर 3, भुवन ईरानी से पहले उनका रोल परेश रावल को ऑफर हुआ था तो प्रियंका चोपड़ा को रानी मुखर्जी को ऑफर हुआ था पर कुछ कारण से दोनों ने ही इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। अब जानते हैं काल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। काल सन 2005 में आई एक एडवेंचर हॉरर थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में अजय देवगन, जॉन अब्राहम, ईशा देवल, विवेक ओबरॉय, लारा दत्ता, विशाल मल्होत्रा और परमित सेट्टी नजर आए थे। इस फिल्म को सोहम शाह ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। और इस फिल्म को करण जौहर और शाहरुख खान ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। और इस फिल्म को 29 अप्रैल सन 2005 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 12 करोड़ 60 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 19 करोड़ 9 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 2 करोड़ 71 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 32 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 11वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक सलीम सुलेमान और आनंद राजाना ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 4 गाने थे और इसके सभी गाने अच्छे पॉपुलर रहे थे।
इस फिल्म के साउंडट्रैक उस साल की 7वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली साउंडट्रैक रही थी। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, देव मल्होत्रा का रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर हुआ था पर उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, फिर ये रोल विवेक ओबरॉय ने निभाया था। नंबर दो, काली प्रताप सिंह का रोल पहले नाना पाटेकर को ऑफर हुआ था पर उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया था, फिर ये रोल अजय देवगन ने निभाया था। नंबर तीन, विवेक ओबरॉय को पहले काली प्रताप सिंह वाले रोल के लिए साइन किया गया था पर वे इस रोल में फिट नहीं बैठ रहे थे, फिर बाद में उन्हें देव मल्होत्रा को रोल दिया गया। नंबर चार, अजय देवगन ने पहली बार धर्मा प्रोडक्शन बनी इस फिल्म में काम किया था। नंबर पाँच, इस फिल्म की शूटिंग को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था। तो दोस्तों, इन तीनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।